بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम दसवें दिन का काम शुरू करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 51 यानी 57 खोल लीजिए। जी स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 51, सफ़ा नंबर 51, 51। जी स्टूडेंट, आपकी किताब का सफ़ा नंबर 51 है। सफ़ा नंबर 51 पर हम आज भारी हरूफ सीखेंगे। भारी हरूफ क्या होते हैं? जी स्टूडेंट्स, जिनकी आवाज़ भारी होगी उन्हें हम भारी हरूफ कहते हैं। जैसे कि जी स्टूडेंट, ये है बे, ये हल्की आवाज़ वाले हरूफ होते हैं और इसके साथ मैंने दो चश्मी है बना दिए तो ये भे बन गया। बे भे, देखें बोलने में भी बे बिल्कुल लाइट सा हल्की आवाज़ लग रही है बे। और अब जब हम भारी हरूफ में इसे कन्वर्ट करते हैं बे को दो चश्मी है लगाकर तो ये बन जाता है भे, बोलने में भी यानी मोटी आवाज़ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। भारी हरूफ दो चश्मी हैं लगाकर बनते हैं, किसी भी हर्फ के साथ दो चश्मी हैं। आपने स्टूडेंट स्वाद भी सीखा और तोएं भी। स्वाद का और तोएं का मुंह एक जैसा है और यही शक्ल हम इसमें भी, ये देखें, स्वाद हमने ऐसे सीखा था और तोएं भी हमने ऐसे सीखा था। तो दो चश्मी हैं, इन दोनों फेस को मिलाकर बनेगी। ये देखें, ये पहले हमने स्वाद का मुंह बनाया और इसके साथ ही हमने तोएं का मुंह जोड़ दिया। तो ये देखें, ये बन गया हमारा दो चश्मी है। इसे दो चश्मी हैं इसलिए कहा जाता है, ये दो आँखों की तरह होता है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ आई बॉल बना दूँ तो ये दो आंखें बन जाती हैं, इसलिए दो चश्मी है कहा जाता है इसे। जी स्टूडेंट, आपने बेसवी शक्ल में इस दो चश्मी है को लिखना है। स्टूडेंट, दो चश्मी है की तादाद 15 है। दो चश्मी है की तादाद कितनी है? 15 यानी 15। जी स्टूडेंट, दो चश्मी है की तादाद कितनी है? 15। अब हम इन 15 को देखते हैं, कौन कौन से इसमें हरूफ आएंगे। ये तो हमारी दो चश्मी है होगी, तो सबसे पहले हमने 15 हरूफ लिखने। तो ये देखें, बे की आधी शक्ल और इसके साथ हमने हे बना दी तो क्या बन गया? भे।
स्टूडेंट्स, ये किसी हर्फ के साथ मिलकर ही पढ़ा जाता है, भे थे 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 थे। ये स्टूडेंट भे थे थे थे, ये बे की फैमिली आ गई। अब आ जाएगी झे 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 धे 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 धे। डाल के ऊपर तो हैं डाल धे 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 रे 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 रे। क्या बना रे जी स्टूडेंट? क्या बन गया रे? धे थे 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 झे छे धे धे रे रे। जी स्टूडेंट, काफी आधी शक्ल और इसके नीचे हमने दो चश्मी है बनाई तो बन गया खे खे घे खे घे। लांग की आधी शक्ल और उसके साथ दो चश्मी है बनाई ले ले ले। मैं लांग है ले मी है मैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे भारी हरूफ के कितने हरूफ हो गए? 15 यानी 15। भे थे 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 झे छे धे धे रे रे खे घे ले मे ने। देखें ये 15 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। जी स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे भारी हरूफ जिनको हमने मोटी आवाज के साथ पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब का सफा नंबर 51 खोल लीजिए। देखिए वहाँ पर हमें भे की प्रैक्टिस अलिफ के साथ बताई है, डॉट पर आपको दिया गया है ताकि आपको लिखने की अच्छे से मशक हो जाए और आपको दो चश्मी है की
पहचान भी हो जाए कि हमने कैसे लिखना है। दो चश्मी हे का फेस मैंने बताया, स्वाद को हम ऊपर नीचे लिखेंगे मिलाकर तो दो चश्मी हे बन जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर भे से देखें, भे से क्या बनता है, भेड़। भे से क्या बनता है, भेड़। स्टूडेंट्स और बताइए भे से क्या बनता है। जी भे से भैंस, भे से भालू। जी भे से भालू, भेड़, भैंस। जी स्टूडेंट्स अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी स्टूडेंट्स कैसे, ये देखें डॉट पर मैं बना रही हूँ। स्टूडेंट्स अगर आपने दो चश्मे है के साथ कोई हर्फ लिखना है तो पहले हम इसकी टेल थोड़ी सी बनाएंगे जो हर्फ लिखना है। अगर हमने बे लिखना है तो बे की आधी शक्ल और उसके साथ ही हम बनाएंगे दो चश्मे है। लेकिन अगर हमने दो चश्मे है के साथ कुछ भी नहीं लिखना तो हम उसकी ये वाली टेल नहीं बनाएंगे। इसे हमने ऐसे यूं शुरू करना है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ आपको दिखाया है कि इसकी हमने टेल बिल्कुल नहीं बनानी है, टेल के बगैर होगी। अब हम भे लिखेंगे तो भे किससे शुरू होता है, बे से। ये देखें बे की आधी शक्ल बनाई और ये है। इसके बाद आपने आगे है के ये टेल निकालनी है ताकि हम कोई भी हर्फ इसके साथ मिला सकते हैं। अब ये देखें भे के साथ हमने क्या मिलाना है, अलिफ। तो हम इसको ऐसे ऊपर से लेकर आएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। जी दोबारा देख लीजिए, अब ये मैंने तीन नुक्ते डाले, बताएं तीन नुक्ते किसके होते हैं। जी पे के, अब पे अकेला नहीं है, उसके साथ हम क्या लिख रहे हैं, दो चश्मी है। ये दो चश्मी है बनाए और इसके साथ क्या लिखा, अलिफ। तो स्टूडेंट पहले डॉट पर आपने पेंसिल रखनी है, ये देखें ये पे की आधी शक्ल, नुक्ते आपने फौरन लगाने और फिर दो चश्मी है ऐसे, और पेंसिल को हमने हटाना नहीं है, और साथ ही हम ऊपर अलिफ के चले जाएंगे। फे अलिफ भा, भे अलिफ भा, फे अलिफ भा। इसी तरह स्टूडेंट थे अलिफ था, ठे अलिफ था। अब आप ये देखें अगर हमने इसको वाव के साथ मिलाना है, हे को दो चश्मी हे को वाव के साथ मिलाना है तो कैसे होगा। ये देखिए पहले हमने दो चश्मी है बनाई, इसकी टेल आगे, आपको बताया था कि आपने टेल आगे रखनी है। अब हम इस पे वाव बनाएंगे, हे वाव हो, बिल्कुल हल्की सी यहाँ पे इसके टेल आएगी, बहुत बड़ी नहीं निकालनी बे की तरह। ये बन गया हमारा हे वाव हो। दोबारा देख लीजिए, ये है हे और इसके आगे हमने वाव। जी पहले हमने दो चश्मी है, उसके साथ हमने आगे की तरफ छोटी सी टेल निकाली इसकी, फिर उसके ऊपर हमने वाव बनाया। अब हम पेंसिल इन डॉट्स पर फेरेंगे, ये देखें ऐसे, ये पहला फेस और ये दूसरा फेस। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से ये गायब कर दूँ इसका, तो ये देखें किसकी शेप बन गई है, थ्री। देखें तीन लिखते हैं ना, ये शेप आ रही है ऊपर से इसकी, और मैं इसको आप बंद करूँगी तो ये ऐसे यूं ये है बन जाएगी। तो हमने डॉट पे है की दो चश्मी है बना ली है। अब हम
वाव बनाएंगे तो बन गया हे वाव हो, हे वाव हो। और अब हम दोबारा देख लेते हैं बे की कैसे है, बे की आधी शक्ल और उसके साथ दो चश्मी है भे अलिप भा, फे अलिप फा, हे वाव हो, हे वाव हो। अब हमने अलिफ के साथ भी सीखा और वाव के साथ भी। स्टूडेंट्स इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी मश्क दो से तीन सफात पर, तो आपकी जो लिखाई में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अब देखते हैं हम छोटी ये के साथ कैसे लिखेंगे। ये देखें ये छोटी ये है, अब हमने इसके साथ दो चश्मी है कैसे बनानी है। तो सिंपल, पहले हमने दो चश्मी है बनानी है, इसकी टेल आगे खींची और यहीं इसी टेल से हमने दोबारा पेंसिल ऐसे छोटी ये हे छोटी ये हे। अब हम अगर इसकी टेल आगे को और निकाल दें तो ये बन जाएगा भे, भे छोटी ये भी, भे छोटी ये भी। ये देखें ये बे का नुक्ता, और थोड़ी सी टेल आगे निकाली और इसके साथ ही छोटी ये बनाई, तो ये हमारा हो गया भे छोटी ये भी। स्टूडेंट डॉट पर पेंसिल फेरने का वही तरीका कि आपने पेंसिल पर अपनी ग्रिफ्ट मजबूत रखनी है, ढीले हाथ से पेंसिल नहीं पकड़नी, क्योंकि ढीले हाथ से पकड़ेंगे तो हम सही तरीके से लाइन नहीं खींच पाएंगे। ये देखें अब मैंने ढीले हाथ से पकड़ी थी तो यकीन छोटी ये मेरी कैसे हो गई है। ये तरीका गलत है, आपने पेंसिल को मजबूती से पकड़ना है। जी स्टूडेंट भे के साथ छोटी ये मिल गई तो क्या बना, भे छोटी ये भी। अब हम बड़ी ये के साथ अगर सीखते हैं तो क्या होगा, देखें ये भे बनाया जी, ये भे और ये टेल हमने थोड़ी सी आगे निकाली, इसी के साथ हम बड़ी ये लिखेंगे। ये देखें ऐसे ऐसे इसके ऊपर हमने पेंसिल फेरी तो भे बड़ी ये भे। जी स्टूडेंट्स फिर देख लीजिए भे दो चश्मी है के साथ और इसकी टेल के साथ ही हमने बड़ी ये बना दी, तो हमारी भे बड़ी ये भे बन गया। इसकी टेल हमें बड़ी ये की आगे बनानी नहीं पड़ी क्योंकि हमने भे की आगे टेल बना दी थी, तो हमने इसी के साथ बड़ी ये को गोल करके सीधा कर दिया तो भे बड़ी ये भे बन गया। जी स्टूडेंट एक दफा और देख लेते हैं। हम अलिफ वाव और छोटी ये के साथ दो चश्मी है लिखेंगे। ये बे की फैमिली बिल्कुल एक जैसी है, अलिफ वाव छोटी ये और बड़ी ये के साथ हम क्या लिखेंगे, दो चश्मी हे। ठीक है स्टूडेंट, अब पहले हम भे के साथ भे को किसके साथ लिखेंगे, अलिफ के साथ। भे को किसके साथ, अलिफ के साथ, भे अलिफ भा, भे अलिफ भा। जी स्टूडेंट्स क्या बनेगा, भे अलिफ भा। भे को किसके साथ,
भेभाव भो, भे छोटी है, भी, भे बड़ी है, भे। जी स्टूडेंट, ये था हमारा भे अलिफ के साथ। अब हम झे झे की प्रैक्टिस करेंगे कि जीम को हमने हे के साथ कैसे मिलाना है। सिंपल तरीका, जीम की आधी शक्ल लेंगे, जीम की ये हमने आधी शक्ल बनाई और नुक्ता फौरन से हमने डालना है। अब इसके नीचे हम दो चश्मी हे बना देंगे, तो ये हो जाएगा झे। जीम हमारा हल्की आवाज में, जीम भारी आवाज, झे जीम झे। अब छे को अलिफ के साथ कैसे लिखेंगे, पहले जीम की आधी शक्ल के साथ दो चश्मी है और टेल हमने बाहर निकालनी है, जीम का नुक्ता पहले डालेंगे। अब इस टेल को हम सीधा ऊपर अलिफ जी छे अलिफ झा, फिर जीम के साथ दो चश्मी है, टेल आगे निकाली और ये वाव इसके ऊपर छे वाव झो, झे छोटी ये, झी झे छोटी ये, झी अब बड़ी ये के साथ झे। ये देखें टेल बस आपकी आगे को निकली होनी चाहिए, अगला हर खुद ब खुद मिल जाता है। और इसके साथ बड़ी ये झे 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 अलिफ झा, झे वाव झो, झे वाव झो, झे छोटी है झी, झे बड़ी है झे। स्टूडेंट्स, अब चाहे आप यहाँ पर अगर तीन नुक्ते लगा देंगे तो ये झे बन जाएगा, झे अलिफ झा, झे वाव झो, झे छोटी है झी, झे बड़ी है छे। क्योंकि फॉर्मेशन तो सबकी एक जैसी है, बे की फैमिली और जीम की फैमिली की फॉर्मेशन एक जैसी है, तो हमने जीम के डॉट के साथ, जीम के नुक्ते के साथ दो नुक्ते और डाल दिए, तो क्या बन गया, छे। जी स्टूडेंट, अब इसके बाद ये हमारा सफा नंबर 51 हमने 51 कर लिया, हमने सफा नंबर 51 का, सफा नंबर 51 का 56 यहां तक ये हम पेजेस अपने मुकम्मल करेंगे। तरीका आपको बताया है, मैं एक एक हर्फ का आपको यहाँ पे बोर्ड के सामने लिख देती हूँ व्हाइट बोर्ड पर, ताकि आपको कॉपी डाउन करना आसान हो जाए। छः से हमने बनाया, दाल का तो बहुत इजी तरीका है जी, क्योंकि दाल की तो कोई छोटी शक्ल नहीं होती, दाल पूरा लिखा जाता है और इसके साथ हमने दो चश्मी हे बना देनी है ऐसे, तो ये बन गया धे। दाल, हल्की आवाज में दाल और ये धे। धे से क्या बनता है, कौन सा लफ्ज बनता है, धोबी, धागा जी, और धोबी धागा जी। और इसका लिखने का तरीका सिंपल, दाल हमें आती है, ये देखें ये दाल और दो चश्मी है, तेल हमने पहले ही निकालनी है। ये देखें हर हर्फ के, जब भी आपने दो चश्मी बनानी है तो इसकी टेल लाजमी आगे की तरफ निकालनी है ऐसे। अब धे को हमने किसके साथ मिलाना है, अलिफ के साथ। धे को हमने किसके साथ मिलाना है,
अलिफ के साथ दाल, हे धे, अलिफ धा। अब दाल को किसके साथ क्या प्लस करेंगे, वाव, तो धे तेल आगे निकाली और इसके साथ हमने वाव मिला दिया तो बन गया धो। धे अलिफ धा, धे वाव धो। अब हम धे को छोटी ये के साथ मिलाएंगे तो दाल अलग से लिखी जाएगी क्योंकि इसकी छोटी शक्ल नहीं होती। अब ये टेल देखें आगे की, अब हमने इसके साथ ही ये की गुलाई शुरू कर देनी है तो बन गया धी, धी, धे अलिफ धा, धे वाव धो, धे छोटी ये धी। अब बड़ी ये के साथ ये देखिए टेल ये कहीं नजर आ रही है, ये देखें ये और इसके साथ बड़ी ये हमने खींच दी ऐसे, हमने इसका फेस बनाना ही नहीं पड़ा, टेल हमारी निकली हुई थी, हमने इसके साथ बड़ी ये बनाई तो बन गया धे। जी स्टूडेंट, अगर हम इसके ऊपर तोयन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ढे, ढे अलिफ ढा, ढे वाव ढो, ढे छोटी ये ढी, ढे बड़ी ये ढे, क्योंकि इनकी शक्लें एक जैसी थी, दाल पे कुछ नहीं था, खाली था। अब हमने दाल सीखना था तो हमने तोयें ऊपर डाल दी, बाकी हरूफ वैसे ही लिखे जाएंगे। जी स्टूडेंट, अब हम खे लिखेंगे कि खे की प्रैक्टिस कैसे होगी, ये देख लीजिए। हर हर्फ की आपने 3 से 4 मर्तबा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी लिखाई उतनी ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। अब हम काफ, ये देखें ये है हमारा काफ हल्की आवाज का, अब हमने इसे भारी आवाज में कन्वर्ट करना है तो हम काफ की आधी शक्ल लिखेंगे ऐसे और दो चश्मी हे, टेल भी देखें यहाँ पे दिखाई, देखें नजर आ रही है आपको, ये हल्की सी टेल मैंने आगे निकाली है ताकि हम कोई भी हर्फ लिखेंगे इसी टेल के साथ दूसरे हर्फ को ज्वाइन करेंगे। काफ खे, काफ किताब, खे खीरा, का किताब, खे खीरा। जी स्टूडेंट, अब इसको हम अलिफ के साथ मिलाएंगे, खे अलिफ खा, खे वाव खो, खे छोटी ये खी, खे बड़ी ये खे, खे अलिफ खा, खे वाव खो, खे छोटी ये खी, खे बड़ी ये खे। और गा की भी इसी तरह होता है, गा के ऊपर हम दो डंडे डाल देंगे तो ये गा बन गया घे, घे अलिफ खा, घे वाव घो, घे छोटी ये घी, घे बड़ी ये घे। घे से क्या होता है, घे से घड़ी, घास, जी घोड़ा। जी स्टूडेंट, इसकी नीचे आपको खाली जगह दी हुई है, 3 लाइनें, उन लाइन्स पर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 56 यानी 56 खोल लीजिए। यहाँ हमें धे के साथ कुछ हरूफ दिए गए हैं, दो चश्मी है के साथ, ये कौन कौन से हरूफ मिलाने मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, बाकी की आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। लव्स
लव बनाए. ये स्टूडेंट लव बनाए. लव्स बनाए ये देखें भे प्लस अलिफ गा प्लस गा. स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कितने हरूफ दिए गए हैं हमें? तीन. वही तरीका सिंपल. पहले दो हरूफ को हमने मिलाना है भे को किसके साथ? अलिफ के साथ. और गा के आगे कुछ कुछ भी नहीं है कोई हर, तो हम गाव को मुकम्मल लिखेंगे. ये देखें पहले हमने भे को मिलाया किसके साथ? अलिफ के साथ. प्लस किया गा. अब हमने भे और गाफ को मिलाकर लिखना है तो क्या करेंगे? सेंटर में से ये ख़त्म कर देंगे. ये देखें भे अलिफ भा गाफ साकिन भाग. भे अलिफ भा गाफ साकिन भाग. एक और मिसाल देख लीजिए. थे थे प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस छोटी. अब ये चार हरूफ हैं तो इसका भी तरीका आपको मैंने पिछले सबक में बताया था कि हमने किस तरह हरूफ को मिलाना है. तो हम पहले इनके सेट बनाएंगे. पहले दो हरूफ का एक सेट और फिर अगले दो हरूफ का एक सेट. ये तो कितने सेट हो गए? दो. अब थे को हमने किसके साथ मिलाना है? अलिफ के साथ. देखें थे अलिफ था ये एक सेट मिला लिया. दूसरे सेट में क्या है? लाम की आधी शक्ल और साथ ही छोटी ये बनाई हमने लाम छोटी ये ली. अब हमने थे अलिफ था और लाम छोटी ये ली को इकट्ठा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? दरमियान में से प्लस का साइन ख़त्म कर देंगे. तो ये हो गया थे अलिफ था लाम छोटी ये ली था ली. जी स्टूडेंट्स बाकी का काम भी आपने ऐसे ही मुकम्मल करना है. चार हरूफ होंगे तो आपने दो दो करके मिलाने. अगर तीन होंगे तो पहले दो हरूफ को आपने मिलाना है और तीसरे हरूफ को आपने मुकम्मल ही लिखना है. अगर दो होंगे तो पहला हर्फ आधा लिखा जाएगा और दूसरे के साथ हम मिला देंगे. तो स्टूडेंट्स दसवें दिन का काम हमारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ. हमने आज भारी हरूफ सीखे, भारी हरूफ की आवाज़ें सीखी और उनको अलिफ वाव छोटी ये और बड़ी ये के साथ मिलाना सीखा. तो स्टूडेंट्स इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, दो से तीन मर्तबा. जी स्टूडेंट्स हमारा दसवें दिन का काम यहाँ पर मुकम्मल हुआ. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.